सो हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित और आप लोग देख रहे हैं टेक टॉक विद उदित। तो आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ लेनोवो E4125 मॉडल नंबर की जो लैपटॉप है असम गवर्नमेंट ने दिया हुआ, जो 75% ऊपर की जो स्टूडेंट थी HSLC में पास किया था उन लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लैपटॉप की मॉडल नंबर E4125 है, स्क्रीन साइज 14 इंच की है लगभग। और यहाँ पर आप लोग को लैपटॉप कंप्यूटर बैटरी पावर अडेप्टर पावर कोड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बाजू वाले बेल आइकन भी दबा देना। तो यहाँ पर मैं पैकेज को खोलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ बॉक्स में आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो बॉक्स को ओपन करके आप लोग को पहले लैपटॉप देखने के लिए मिल जाएगा, उनके साथ आप लोगों को साइड में आप लोगों को चार्जिंग एडेप्टर देखने के लिए मिल जाएगा जो 45 वाट की है, जो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की है और जो काफ़ी 2 घंटे में आप लोग को शायद चार्ज कर देगा लैपटॉप को। यहाँ पर आप लोग को पावर केबल भी देखने के लिए मिल जाता है जो अच्छी क्वालिटी की है। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी पावर केबल देखने के लिए मिल जाएगी। जल्दी से मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके आप लोग को कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। लैपटॉप के साथ कुछ प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है लैपटॉप की सुरक्षा के लिए, जो यहाँ पर मैं आप लोग को और भी एक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसके साथ भी आप लोग कुछ यूज़र वारंटी गाइड भी देखने के लिए मिल जाता है जो विंडोज 10 के एक्टिवेशन कुछ है, पर यहाँ पर आप लोग को वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए नहीं मिल। लैपटॉप की प्लास्टिक को हटा देता हूँ और अनबॉक्सिंग का मजा कुछ और ही आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। और इसके साथ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरह का मैट फिनिश में आप लोग को टेक्सचर्स आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। बैक साइड में कुछ इस तरह का बड़ा सा मोटा सा बार देखने के लिए मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग हीट फ्लो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा, लैपटॉप गर्म नहीं होगा। को मैं ऑन करके सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या मिल जाता है इस लैपटॉप पे और स्पेसिफिकेशंस क्या है सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। सो इसको ओपन करके आप लोग को सिस्टर का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। एमट्रॉन सुपर एक्स प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाला हुआ है, तो प्री इंस्टॉल है, असम गवर्नमेंट ने दिया है, तो इसको आप लोग उसके सुविधा उठा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है। उसका कीबोर्ड की बात करूँ, कीबोर्ड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। जो बॉडी है वो भी काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की है, पर जो टच पैड है वो काफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसका जो टच पैड है काफ़ी वियर्ड सा एक्सपीरियंस देता है। और जो की है इस पर राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक वो भी काफ़ी खराब एक्सपीरियंस मुझे लगा, वो ही बहुत ही हार्ड देखने के लिए मिल जाता है। कि इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, यहाँ पर आप लोग को CPU मिल जाता है AMD Pro A6 जो प्रोसेसर होता है वो है। स्टोरेज आप लोग को 1 TB HDD देखने के लिए मिल जाता है। रैम 4 GB है, एंट्री की तरह GPU है। बैटरी आप लोग को 6L देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले की बात तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, 14 इंच की है। यहाँ आप लोग मॉडल नंबर भी यहाँ पर। इसका मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ, डिस्प्ले क्वालिटी आप लोग को HD क्वालिटी की डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। और विजिबिलिटी जो काफ़ी अच्छी है इंडोर में, अगर आउटडोर की बात करूँ आउटडोर में कुछ इस तरह का विजिबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगा, एवरेज में बोल सकता हूँ इसको। पर मैं आप लोग को साउंड क्वालिटी टेस्ट करके दिखा देता हूँ कैसा साउंड क्वालिटी आप लोग को इस लैपटॉप में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग सुन लीजिए कैसा है। तो साउंड क्वालिटी है मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, पर डे टू डे लाइफ में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। अगर इसकी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को सुपर एक्स प्रो देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी आप लोगों को डे टू डे लाइफ में हेल्प कर देगा टास्क कंप्लीट करने में। तो DS पोर्टल का क्या वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग स्टडी मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को कुछ ब्रेव ब्राउजर करके ब्राउजर देखने के लिए मिल जाएगा, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग फाइल मैनेजर भी देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग नीचे आप लोग को लॉगिन शट डाउन और लॉक स्क्रीन इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। कंप्यूटर में जाने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी डिसेंट है, मुझे इतनी भी अच्छी नहीं लगा, इसलिए मैंने सोच रहा हूँ कि इसको विंडोज 10 में अपग्रेड कर दो। यहाँ पर आप लोग भी कर सकते हैं, पर हाँ वारंटी वॉइड हो सकता है। उन लोगों ने, मैं जब लैपटॉप लेने गया था तो उन लोगों ने कहा था कि आप लोग विंडोज 10 यूज़ करेंगे तो इसका वारंटी जो है वो चला जाएगा। तो आप लोग चाहे तो इसको विंडोज 10 यूज़ कर सकते हैं, पर उस इस तरह का इंटरफेस आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो इतना भी बुरा नहीं कहूँगा। तो डे टू डे लाइफ में आप लोग को काम चल जाएगा। यहाँ पर आप लोग बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग ब्राइटनेस लेवल मिनिमम करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बैटरी जो है आप लोग को 2 से 3 घंटा चल जाएगा आप लोग जो हैवी टास्क परफॉर्मेंस करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करूँ, यहाँ पर आप लोग कोई भी हैवी टास्क मतलब गेम खेल नहीं सकते अगर आप लोग विंडोज
यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग गेम में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी। मतलब ये हेवी टास्क के लिए बना ही नहीं है ये लैपटॉप। अगर आप लोग डे टू डे लाइफ में अगर छोटा मोटा चीज़ें करना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, PDF लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे कुछ चीज़ें हैं आप लोग इस लैपटॉप में कर सकते हैं। बाकी जो हाई लेवल जो गेमिंग है आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब चलेगा भी नहीं हाई लेवल गेमिंग। और जो छोटे मोटे गेमिंग करना चाहते हैं तो आप लोग को मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। ये डे टू डे लाइफ के लिए ही लैपटॉप बना है, सरकार ने इसके लिए ही दिया। तो यही था लेनोवो E4125 मॉडल की जो लैपटॉप थी असम गवर्नमेंट ने दिया था। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, और आप लोगों को मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।